अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हमारा व्लॉग हमारा चैनल किस टॉपिक पे है और इसमें हम किस चीज़ के बारे में आपसे बात करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली पेट्स के हवाले से है। इसमें हम पेट्स के हवाले से, उनकी केयर के हवाले से, उनकी फीड के हवाले से, उनकी खुदा ना खासा जो बीमारियाँ आ जाती हैं, जो मसले आते हैं, उसके हवाले से हम इस पर बात करेंगे। आप इसमें ये कर सकते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आपका कोई भी इशू आ रहा हो, आप हमें मैसेज में पूछ सकते हैं, कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह आप उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो उस आपके क्वेश्चन पे बनाएंगे, उसके बारे में पूरी कोशिश करेंगे, जितना हमारे पास नॉलेज है हम आपको गाइड करें। तो इसमें बेसिकली बर्ड को टेम कैसे करना है, इसमें हैंड टेम, इसका फ्लाइंग टेम, या इसको जब कुछ लोग छोटे बच्चे लेते हैं हैंड फीड पे, उसको सेल्फ कैसे करना होता है, उस हवाले में आपके साथ इंशाल्लाह डेली बेस पे हम व्लॉग बनाएंगे और डेली जो हमारी एक्टिविटीज़ होंगी उसके हवाले में उसके साथ हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो वो मोस्टली होता क्या है कि जब कोई नए लोग होते हैं, जब शुरू में स्टार्ट कर रहे होते हैं इस चीज़ को या हैंड फीड में बच्चे उठाते हैं, तो हमारे साथ भी इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। कुछ लोग हमें बताते हैं कि उनके ना एक्सपायरी आ जाती है, बच्चे जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। तो बीच में वजह क्या होती है, सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज की कमी होती है बस, और कुछ नहीं होता, या उसकी डाइट का इशू होता है। तो इंशाल्लाह ताला हम आगे जो डेली बेस पे वीडियोस बनाएंगे उसमें हम इन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे। फिर इसके अलावा हम बर्ड्स को थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे अपने शेड के अंदर, केज के अंदर, और फिर जैसे ही हमारे पास थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएंगे बर्ड्स, तो फिर हम एक नया केज छत के ऊपर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो उस स्पेस वो कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह बनाएंगे, वो आपको जगह पहले दिखाएंगे खाली जगह, फिर आपके साथ मशवरा करके, क्योंकि आप ही हमारी फैमिली हैं और आपके साथ ही हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ अटैच रहेंगे और हमारी वीडियो में अपनी दिलचस्पी का इजहार भी करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ एक लंबे अरसे तक अटैच भी रह सकते हैं। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।